हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेके एस एस बी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो आज हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो उससे पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहले स्टडी कर लेते हैं डाटा। डाटा क्या होता है? तो डाटा कलेक्शन होती क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी तो बात की बात है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है और डाटा कलेक्शन क्या होता है। तो डाटा क्या होता है? कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में है तो उसको हम डाटा कहते हैं। जब उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है, जब उसको हम एनालाइज कर लेते हैं तो वो बन जाता है हमारा इन्फॉर्मेशन। तो डाटा कलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इन्फॉर्मेशन। तो मतलब डाटा कलेक्शन क्या है? जब हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो वो हमारा डाटा कलेक्शन है। डाटा कलेक्शन सिंपली यही है कि कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको गैदर करना, उसको बोलते हैं हम डाटा कलेक्शन, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। डाटा डाटा दो प्रकार का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। क्वालिटेटिव डाटा वो होता है जो डिस्क्रिप्शन में डील करता है, ठीक है। तो मतलब होता क्या है कि क्वालिटी, अब यहाँ से देखो, क्वालिटेटिव डाटा मतलब क्वालिटी से बढ़ा है, वर्ड क्वालिटी से। तो मतलब इसमें हम क्या मेज़र करते हैं? क्वालिटी। वो डाटा होता है जिसमें हम क्वालिटी मेज़र करते हैं। इसको हम किसी भी स्केल पे मेज़र नहीं कर सकते, किसी स्केल के हेल्प से इसको मेज़र नहीं कर सकते। इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ब्यूटी, ब्यूटी जो है इसका कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। टेस्ट का कोई पैरामीटर नहीं है, कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, स्मेल हो गया। तो होता क्या है, क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। वो वाला डाटा विच कैन नॉट बी मेज़र्ड बट वी कैन ऑब्जर्व इट। तो इसी तरह से क्वांटिटेटिव में क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी से बना है वर्ड। तो इसमें क्या होता है, क्वांटिटी मतलब वो जो चीज़ हमको, जो वो चीज़ जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, वो डाटा विच कैन बी मेजर्ड, डाटा विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट आ गया आपका, स्पीड आ गया, टाइम टेम्परेचर आ गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब हमारा जो मेन है वो यही है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो पहले देखते हैं प्राइमरी डाटा क्या होता है। तो प्राइमरी वर्ड से ही आप समझ पा रहे होंगे, प्राइमरी मतलब वो वाला डाटा, वो इन्फॉर्मेशन जो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑब्टेन कर लेते हैं हम सोर्सेज से। हम क्या करते हैं, हम सोर्सेज के पास खुद चले जाते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा, ठीक है। इट इज़ डाटा दैट हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड, जो डाटा कहीं पब्लिश नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं, हम सीधा सोर्सेज के पास जाएंगे और वहाँ से डाटा उठा लेंगे, वो होता है हमारा प्राइमरी डाटा, ठीक है। तो अब है हमारा नेक्स्ट सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि ये वो वाला डाटा होता है जिसको हम सोर्स से खुद कलेक्ट नहीं करते, लेकिन इसको हम क्या, कहाँ से लेते हैं, इसको हम किसी दूसरे सोर्सेज से लेते हैं, अनदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब किसी और सोर्सेज का काम है, किसी और, मान लो कि दो, यहाँ क्या होगा कि ए बी सी तीन बंदे हैं, ठीक है। बी ने क्या कर लिया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली सी के बारे में। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सी के बारे में, आप कहाँ से लाओगे, वो सी के पास नहीं जाओगे, आप बी के पास जाओगे। तो ये जो होता है सेकेंडरी मेथड, इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट सोर्स के पास नहीं जाते। हम क्या करते हैं कि जिसने पहले से पब्लिश कर रखा है डाटा, जहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, हम उससे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्टली डायरेक्टली सोर्स से नहीं लेते, लेकिन इसको इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं से ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। अब नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ डाटा। प्राइमरी के क्या सोर्सेस हैं और सेकेंडरी के क्या सोर्सेस हैं? जब भी आपको क्वेश्चन देखने में को मिलेगा पेपर में, वो प्राइमरी से मिलेगा, ना कि सेकेंडरी से, क्योंकि सेकेंडरी का इतना इतना कोई है नहीं है, इतने कोई, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें हमें सिर्फ, हमें तो डाटा ही उठा के रखना होता है। जैसे हमने क्या किया, हमें सपोज करो कि आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, तो आप क्या करोगे, कोई भी बुक उठाओगे पढ़ लोगे, लेकिन वो क्या है, सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा क्या है? प्राइमरी वो था कि जब जो इंसान, जो राइटर है, जब वो खुद बुक लिख रहा था, उसको उसने पूरी स्टडी की, वो प्राइमरी था। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसकी बुक उठा के खुद स्टडी कर रहे हो, तो इसलिए वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स है आपके लिए, ठीक है। तो इसी तरह से
पहले हम सेकेंडरी समझ लेते हैं कि सेकेंडरी डाटा के जो सोर्सेज हैं वो क्या है। हम क्या करते हैं, कुछ पब्लिश्ड और कुछ अनपब्लिश्ड जो डाटा होते हैं, ठीक है, कोई सोर्सेज होते हैं पब्लिश्ड में, जैसे बुक्स हो गया, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो आप यहाँ से जो डाटा इकट्ठा कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, वो आ जाता है आपका सेकेंडरी सोर्सेज। मतलब वो पब्लिश्ड सोर्सेज से आप इकट्ठा कर रहे हो, वो सेकेंडरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर कोई लिख रहा है, बुक कोई लिख रहा है, मैगजीन कोई छाप रहा है, तो वो सारा क्या है आपके लिए सेकेंडरी सोर्सेज हैं। इसी तरह से अनपब्लिश्ड क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है कि हर 10 साल बाद सेंसिस करती है, हर साल या 2 साल बाद एम्प्लॉयमेंट पे वो जो निकालते हैं डाटा वो होता है, अलग अलग प्रकार की सेंसिस होते हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो वो सारा डाटा उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, तो वो अनपब्लिश्ड होता है, वो किसी बुक्स में उसको पब्लिश नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं अपनी साइट पे डाल देते हैं, तो हम लोग वहाँ से इसको ले सकते हैं, तो वो आ जाता है आपका अनपब्लिश्ड सोर्सेज, ठीक है, वो वाले सोर्सेज हैं जो अनपब्लिश्ड हैं, लेकिन हम उनसे भी डाटा ले सकते हैं, तो वो होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि वो हमने नहीं किया होता है, वो जो रिसर्च जितनी भी होती है वो हमने खुद नहीं करी होती है, वो किसी दूसरे ने की होती है, लेकिन हम उसका जो उसका उसने उसने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो भी डाटा उसने कलेक्ट किया है, वो उसको अपनी साइट पे डाल देगा, जब उस बुक्स में किसी में लिख देगा, जब मैगजीन में डाल देगा, तो हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्टली उसको ही ले लेते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, प्राइमरी मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सोर्स के पास खुद जाते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो इसमें आ जाते हैं प्राइमरी के जो मेन है वो 3 हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना, फर्स्ट आपका इंटरव्यू, सेकंड क्वेश्चनर और थर्ड है इन्वेस्टिगेशन, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, इन्वेस्टिगेशन। तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में तो आपको पता ही है कि दो जितने भी, एक तो पूरा पैनल होता है वहाँ पे, बोर्ड होता है, वो क्या करता है, एक बारी बारी जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाता है और उनके इंटरव्यू लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, इंटरव्यू में क्या होता है कि एक हम क्या करते हैं, इंटरव्यू में सिर्फ कन्वर्सेशन होती है दो लोगों में, जहाँ दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वर्बल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि प्री प्लान्ड हैं या फिर क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी है वो उनका होता है। इंटरव्यू होता क्या है, इसमें इंटरव्यू में सिर्फ यही होता है कि कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, तो उसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं कि जो जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो किस प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम उससे क्या होता है कि हम किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जो उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जो पुराना एक्सपीरियंस है उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस तरह से उसको हैंडल करता है या किस तरह की इंफॉर्मेशन, मतलब हमारा जो मेन मोटिव होता है यही होता है कि हम उस इंसान को जज कर पाएँ, जहाँ तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में, अगर तो उसने बताया कि हमारे मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, तो हम क्या करते हैं कि उसके एक्सपीरियंस के ऊपर उसको क्रॉस क्वेश्चन करते जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह से उसका आंसर दे रहा है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि उसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो या फिर क्या क्या होता है, या फिर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं हमने पहले से बना के रखे होते हैं कि हमें यही क्वेश्चन पूछना है, जैसे मान लो कोई जॉब का इंटरव्यू है तो उसने पहले से बना रखा है कि मुझे 10 क्वेश्चन पूछने हैं और ये क्वेश्चन है, तो वो वही क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट को बारी बारी पूछते रहते हैं, ठीक है, तो उसको वह बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है कि उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब वो प्लान नहीं होते कि कौन से, वो अपनी मर्जी से उनके फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, वो हो सकता है। फिर इन्फॉर्मेशन फिर आ जाता है कि इंटरव्यू जो है इसका मतलब मेन एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज यही है कि हमें इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी मिल जाती है, ठीक है, अच्छी मिल जाती है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जो जो दूसरा जो सामने जो बैठा हुआ है बंदा वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरी तो नहीं लेकिन मतलब अच्छे से आपको पता चल जाएगी वो क्या सोचता है, किसी के बारे में उसका क्या ओपिनियन है, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और हमें ये भी अगर हमारे मन में कोई मिस इंटरप्रिटेशन या मिस है तो हमें उस चीज़ का भी पता चल जाता है कि क्या वो सच में है ऐसी बात या नहीं है, ठीक है, तो वो भी हमारी दूर हो जाएगी, तो यही है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी महंगा होता है, इंटरव्यू जब भी कोई लेता है तो वो जो पैनल होता है उनको पैसे देने पड़ते हैं और वो काफ़ी मतलब हाई चार्ज करते हैं, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू जो होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो क्या होता है, बायस्ड होता है, कई बार जो रिस्पोंडेंट होता है वो भी बायस्ड होता है, तो उस तरह मतलब ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। फिर टाइम कंज्यूमिंग है, मान लो कि आपको 100 बंदे का इंटरव्यू लेना है, 10-10 मिनट दोगे तो कितनी दूर जाएगा काम, तो इसलिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। कई बार क्या होता है, जो इंटरव्यू देने आते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं, ठीक है ना, तो वो भी इसमें मतलब कई बार हम इसको जज नहीं कर पाते, तो हमारा जो स्टाफ है, जो इंटरव्यूर है, वो क्या होने चाहिए, हाईली स्किल्ड होने चाहिए,
ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चनर मेथड। तो क्वेश्चनर मेथड इस वर्ड से आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन मतलब इसमें क्या होता है कि हम क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चनर मेथड में होता क्या है, हम क्या करते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट ऑफन यूज्ड मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन का जो मोस्ट ऑफन जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला और सबसे सिंपल मेथड है वो है ये क्वेश्चनर मेथड। इसमें क्या होता है कि हम प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस बना लेते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब खोलते हो तो आपको वहाँ पे भी कई बार आ जाता है सर्वे के लिए, तो वो क्या है, यही है क्वेश्चनर है। ठीक है, वो यही होता है। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनके आंसर देने होते हैं। प्री प्लान्ड क्वेश्चन होते हैं, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं, तो ठीक है, तो हमें उनके आंसर देने होते हैं। कई बार आप ये मेल में आ जाते हैं आपको, कई बार आपको मैसेज के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएँ तो वो ये क्या है, ये यही मेथड है क्वेश्चनर मेथड। इसमें क्या होता है, तो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 5-6 क्वेश्चन होते हैं, आपको उनके आंसर देने होते हैं बस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ डिजाइन टू सूट द रिस्पोंडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज कमांड। फिर इट कैन बी कंडक्टेड टू कलेक्ट यूजफुल डाटा फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो हम थोड़े समय में ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिए से इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह के जो मेथड हैं उसको यूज़ कर सकते हैं टू कलेक्ट यूजफुल डाटा। ठीक है, तो कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, और नेक्स्ट आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, ये भी एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन का सोर्स है, मेथड है ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि जो जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है, इन्वेस्टिगेटर जिसको कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर है, वो क्या करेगा कि कहीं जाके खुद बैठ जाएगा वहाँ पे, जो जहाँ पे भी उसको मतलब ऑब्जर्वेशन करनी है, जिस भी ग्रुप में वो वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ तो वो उसका पार्टिसिपेंट बन जाता है, जहाँ पर कई बार वो उससे डिटैच होके भी इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन करता रहता है। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव यही होता है, वो किसी प्रकार का इसमें कोई क्वेश्चन आंसर तो होता नहीं है विदाउट आस्किंग द रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, लेकिन वो चुपचाप करके जो भी ऑब्जर्वर होगा वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करता रहेगा, वो चुपचाप करके आप पूरा स्टडी उसको देखेगा, उसके जो भी तरीके से होंगे उस तरीके से पूरे ही उस प्रोसेस को समझता है, और लास्ट में जो भी ऑब्जर्व करता है वो अपने अपनी इन्फॉर्मेशन उसको इकट्ठी कर लेता है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली होते किसके लिए हैं, कंज्यूमर बिहेवियर वगैरह। एग्जांपल देख लो आप, जो आपका ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा, चुपचाप बैठा बैठा रहेगा, देखता रहेगा कि किस तरह के कस्टमर आ रहे हैं, किस तरह के। ठीक है, तो ये होता है। इसकी एडवांटेज क्या होती है, सब्जेक्टिव बायस इज एलिमिनेटेड, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू वट इज़ करंटली हैपनिंग, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाई आइदर पास्ट बिहेवियर और फ्यूचर। तो मतलब हम क्या कर, जो भी ऑब्जर्वर है वो चुपचाप बैठेगा, वो आपका पास्ट नहीं पूछेगा, फ्यूचर नहीं पूछेगा, लेकिन वो आपको 10 मिनट में जज करने की कोशिश करेगा कि आपका जो बिहेवियर है वो किस प्रकार का है, आप किस तरह से डील करते हो किसी सिचुएशन में, तो वो ये चीज़ देख लेता है। अब इसकी लिमिटेशन, काफ़ी एक्सपेंसिव है, प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड तो होगी 10-15 मिनट में, 10 दिन में कितना ही आपको वो जान सकेगा। ठीक है, अनफोर्सीन फैक्टर में इंटरफेयर विद द ऑब्जर्वेशन टास्क, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें इंटरफेयर भी कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हैं। सेकेंडरी ऐसा है कि जो सेकेंडरी मेथड्स होते हैं वो काफ़ी मतलब आपको इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, वो टाइम कंज्यूम कम करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास बुक पड़ी है तो हमें पता है कि हमें उसमें ये टॉपिक ढूंढना है तो हम सीधे ढूंढ लेंगे, लेकिन जब आपको नेट से ढूंढना पड़ेगा तो आप कम से कम 20-30 अलग अलग साइट्स पे जाओगे, फिर जाके आपको डाटा मिलेगा, तो वो क्या है, वो प्राइमरी है, वहाँ आप खुद सर्च कर रहे हो, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। जो बुक जो है सेकेंडरी है, आपको पता है कि पेज नंबर ये है, आप सीधा इंडेक्स देखते हो और सीधे टॉपिक पर पहुँच जाते हो। ठीक है, तो यही है प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड्स। प्राइमरी मेथड्स अभी हमने डिस्कस किए, ठीक है, प्राइमरी मेथड्स हमने डिस्कस किए, इंटरव्यू पहला तो आ गया, इंटरव्यू मेथड, दूसरा आ गया क्वेश्चनर, तीसरा आ गया हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, तो अब सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटे से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बहुत ही कम आएगा, लेकिन इसके सोर्सेज देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं और अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं। पब्लिश्ड होता है, मैंने पहले ही बताया वैसे, पब्लिश्ड होते हैं जैसे बुक्स होगी, मैगजीन होगी, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस आ गई, ठीक है ना, वो आ जाते हैं आपके पब्लिश्ड सोर्सेज। और अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या होते हैं, अनपब्लिश्ड जैसे सेंसिस ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल सैंपल सर्वे हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, दे आर कलेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ओन रिकॉर्ड। अनपब्लिश्ड वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने खुद इनको
कलेक्ट किया होता है, फिर इसको अपनी वेबसाइट पे या अपनी जो भी इनका होता है ठीक है उस पे ये क्या करते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं और हम वहाँ से इसको ले सकते हैं ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक फिनिश। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल है स्टडी फॉर JKSSB ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाओगे तो और आप हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स और क्विज़ मिलते रहेंगे।